तो चलिए हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को डोनेट कैसे करें। आम आदमी पार्टी को डोनेट करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं। फेसबुक पेज पर जाने पर आपको जो भी पोस्ट दिखती है जिसमें डोनेशन की डिमांड की गई है, उस पोस्ट के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे यहां पर ये लिंक है, तो इस लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा जिसको आपको ब्राउजर में खोलना है। तो यहां जाएं और ओपन विथ ब्राउजर कर दें। ब्राउजर में जाने के बाद आप जो भी अमाउंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जितने भी रुपए आप देना चाहते हैं, 100 रुपीज, 250 रुपीज, 500, 1000, 10000, वो आप सेलेक्ट करें। और यहां आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यस डोनेट मंथली और नो डोनेट वंस। यहां आप यस डोनेट मंथली पर सेलेक्ट करें। कंट्री सेलेक्ट करें, अपना नेम फिल करें, अपना वेरीफाइड मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर, और अपनी मेल आईडी डालें। उसके बाद सेलेक्ट करें और फिर प्रोसीड कर लें। प्रोसीड करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के थ्रू या मंथली बैंक अकाउंट के थ्रू। बैंक अकाउंट के थ्रू आप तब डोनेट कर पाएंगे जब आपका अकाउंट आधार लिंक्ड हो। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि आप सिर्फ एक टाइम डोनेशन करना चाहते हैं। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि हमेशा डोनेशन कंटिन्यूअस करें, इसलिए वन टाइम डोनेशन का ऑप्शन यहां से हम हटा देते हैं। आगे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा जिस स्टेट के आप रेजिडेंट हैं। अपना एड्रेस फुलफिल करना होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी बिना एड्रेस के डोनेशन नहीं लेती है। और उसके बाद कितने मंथ्स तक आप डोनेशन करना चाहते हैं वो चीज आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मैं यहां पर मंथली फ्रॉम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं। आप अपना बैंक सेलेक्ट करें, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। जैसे मैंने ICICI बैंक सेलेक्ट किया और फिर डिक्लेरेशन पर क्लिक करें। यहां आपके पास डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और फिर डोनेट पर क्लिक करना होगा आपको। डोनेट पर क्लिक करते ही आपके पास पेज आएगा जिस पर आपको अपना नाम, अमाउंट और फिक्स्ड देना चाहते हैं या वेरिएबल रखना चाहते हैं वो चीज सेलेक्ट करनी होगी। ये फिक्स्ड ही रहेगा। देन आफ्टर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मंथली होगी। स्टार्ट डेट आप पहले फिल कर चुके हैं और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होंगी। यहां नाम लिखना होगा आपको, अपना अकाउंट नंबर देना होगा, अकाउंट का टाइप क्या है और आपके बैंक का IFSC कोड क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करें और उसके बाद आप अपने आप को यहां वेरीफाई करें और फिर आधार की वर्चुअल आईडी से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं और ई साइन का बटन क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपके आधार से लिंक्ड अकाउंट से लिंक्ड आधार नंबर का जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। वो OTP देते ही आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाएगा और कंटिन्यूअस जो डेट आपने सेलेक्ट की है उस पर आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता रहेगा। तो आम आदमी पार्टी को डोनेट करें और हर महीने डोनेट करें, क्योंकि ये उद्योगपतियों के पैसों से चलने वाली पार्टी नहीं है, ये आम आदमी से चलने वाली पार्टी है। और आपका दान करेगा राष्ट्र का निर्माण। जय हिंद।